Hey guys, welcome to my YouTube channel Prabhakar's Online Academy. Previous class रे मुझे जस्ट introduction दे थी कि हमें केमदी कौन पढ़ी बा आज हमें मात्र first part ता पढ़िया जो algebra तुम्हारा तार मध्य first chapter आज तुम्हारा सर्व सहसमीकरण हम लिखी दे ची देखा first हम जाने अपने तो chapter ना कभी सर्व सहसमीकरण रखा गला ऐसे कितना बार आज तुम्हारा दीटा जो सर्व अब सहसमीकरण समीकरण वाला अगर तुम्हें सुन थो अगर तुम्हें समीकरण सॉल्व कर थो सिंगल वेरिएबल गोटे मात्र चल रहा से थी वो x किंबा y जहां के साधारण रूप थिला का जनरल फॉर्म थिला ax b 0 तो मैं कोई चीज सॉल्व कर दे थिला कोन ना ax b टा पर पॉज थिला पर जो थिला माइनस हो थिला देन x इक्वल टू ए पर ए डा मल्टीप्लाई हे छे पर जो थिला डिवाइड हो थिला बी संग इजीली तुम भाग दो थिला किंतु ए चैप्टर तुम्हें जहां पर पढ़ियो सब टू वेरिएबल दीटा वेरिएबल थिवो x y जहाँ इसमें जनरल फॉर्म हमें देखी बाय ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो देन आउट एक था सवाल के लिए मनोर की था सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करें अपने को बोटी वेरिएबल बोटी इक्वेशन बन का जितना वेरिएबल उस तरह इक्वेशन कुछ बात तो अच्छी रहने चाहिए तो डबल वेरिएबल इक्वेशन में इस चैप्टर में सॉल्व कर दिया तो अच्छी बहन यह दिया हमको कितना लगता है डेटा इक्वेशन लगता है डेटा वेरिएबल डेटा इक्वेशन बुझे अलग एटम मन लगदान से जेबा एटा ता जनरल फॉर्म के डबल वेरिएबल इक्वेशन ना एटा ला जनरल फॉर्म सेति में जेहे तो हमको दीटा इक्वेशन दरकार है ओरे डबल वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करे माने गोटे इक्वेशन को सॉल्व करे भी हमको आउ ना दरकार है तन a1x b1y c1 अनदर इज a2x plus b2y plus c2 equals to 0 ओके तो गोटे इक्वेशन को सॉल्व करे भी हमर आउ बटर आउ डी इक्वेशन सहायता नबा को पड़ुछि सेहि पे को हम कहला सह समीकरण बुझेला फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लियर देन नेक्स्ट सब नोट कर दिया जा रहा दरकार देन अनदर थिंग ए जो हम डबल वेरिएबल इक्वेशन लिनियर इक्वेशन जो तक हम कहि परिया एक्चुअली इटा ज्योमेट्रिक मीनिंग कोन एक्चुअली आर एक्चुअल ज्योमेट्रिक वाला मीनिंग है ना एकटा स्ट्रेट लाइन इन टू डायमेंशनल प्लेन जेते कि हम कहो एक्स वाई एटा बता हम एल बोली कहिया ए लाइन ला एल देन इटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ए स्ट्रेट लाइन अब इक्वेशन ने कि ए चैप्टर का बेस्ट है जी जेते कि हम कहिया तबे तो लिखना जानि जहार हेडिंग नंबर को ना ज्यामितिक परिप्रकाश का बस सरल सह समीकरण रो ज्यामितिक परिप्रकाश ले इंपोर्टेंट एथु निश्चित हो तो सब क्वेश्चन आसीबो बुझियो जी सो देखो हम फर्स्ट कहि छी ओडे इक्वेशन ओडे डबल वेरिएबल इक्वेशन ने जे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करियो त हम सरल सह समीकरण कहि जान हम निश्चित भाई दीटा इक्वेशन दो फर्स्ट वन इज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 अनदर a2x plus b2y plus c2 equals to 0 एटा एल वन रिप्रेजेंट करू बा लाइन वन एटा एल टू लाइन टू बुझि हो छी देखिबा अच्छा मु फर्स्ट कहि छी इन इक्वेशन गोटे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करू सठा हम दीटा इक्वेशन छी माने दीटा स्ट्रेट लाइन दीटा स्ट्रेट लाइन केते प्रकार रे रहि परिया हम देखिबा केते प्रकार हम दीटा स्ट्रेट लाइन को अरेंज कर बा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फर्स्ट थी दीटा स्ट्रेट लाइन परस्पर को छेद करि पाइबे हियर इज योर एल वन फिर इज योर एल टू व्याख्या में बस एटा काम कोन कहो ना सॉल्यूशन बिंदु एटा हो जाम समाधान देन अनदर अरेंजमेंट बिटवीन दिस टू लाइन ए दि लाइन आउ आउ कि को भाग रही परिबे ना परस्पर ऊपर गोट ऊपर आउ के रही परिबो हियर इज योर एल1
here is your L2 एकटा काम कोन बुझे के स्टेप परस्पर छेदी एटा कोन ना ए ओ भिन्न कारण लाइनटा गोटे लाइन या पर या अछि एक ओ अभिन्न आउ को भले रही परबे दिटा लाइन y axis ना पैरेलल ही करनी पड़ेगी परस्पर जोटा कि केबे भी परस्पर को छेद कर पड़ेगा ये जते r एक्सटेंड हेली ता छेद करबो नी ये जते r एक्सटेंड हेली आप छेद कर पड़ेगो नी सो बुझि हो छी तो एहर कोन समान न असंभव समांतर बुझि हो छी ये त मानला ज्यामितिक परिप्रकाश तो आउ लोग कथा के नोट करो देखो एठिया हम गोटे बिंदु रे छेद पाले तेन को एठिया हम कोन केतरा सॉल्यूशन मिलियो गोटे मात्र सॉल्यूशन मिलियो एक ओ आ समाधान केते अनन्य अनन्य समाधान मात्र गोटे यूनिक यार किंतु जेतरा समाधान मिलियो देखो पिले ये दिटा लाइन आंको भीतर केतरा साधारण बिंदु अछि केतरा कॉमन बिंदु अछि हमें जानसे ओरे सरल लेखा होछ कोन असंख्य बिंदु रो समाहार त रे हम असंख्य समाधान अछि ए बिंदु रे ए लाइन पर अछि ए लाइन पर अछि ए बिंदु रे ए लाइन पर अछि ए लाइन पर अछि त असंख्य बिंदु रे मिलियो जोटा कि परस्पर जोटा कि दिटा लाइन पर अछि तेन करि आ समाधान ना असंख्य समाधान आ समाधान तत्स कोन ना असंख्य बुझला या कैसे कोन ना ये केबे बी छेद करबे नी त माने समाधान असंभव केबे बी आ समाधान करि परबे नी परबे नी ये कोन ना समाधान असंभव बुझे हो जी नोट कर दे आगे बुझबा या पर तुम्हारा आसीबो किमे तुम ग्राफ यूज करी किमे ते सरल सरल समीकरण को समाधान करियो मतलब तुम ग्राफ पर बढ़िया टर्न लगा लेखो चित्र चित्र लेखो द्वारा बहुत सरल के लिए ट्रिक क्वेश्चन आसी पारे चित्र लेखो द्वारा सरल समीकरणर समाधान बुझे छी हम यदि ग्राफ पर यूज करी कि दुटा इक्वेशन का सॉल्व करिया नबा एग्जांपल देखिबा कोन दै छी तम बहिर एग्जांपल फर्स्ट दै छी x plus 2y minus 3 plus 0 ये तम दै छी इक्वेशन 1 The second equation is 2x minus y minus 1 equals to 0. Here is equation 2. Okay? So step by step, we will keep it. We will keep it. We will keep it. So we will keep it. First, x to y, and x to y, and y to x to y, and x to y express. This is the equation. Look, x to y is single. So x to y. सॉरी हां x को y ऊपर हमें देखे परिया तो 3 2y बुझियो छी एथि से दि कहो ना 2x equals to y plus 1 x equals to y plus 1 by 2 बुझियो छी देन तम का मतलब टेबल करियो सदा लगे मन की दो एटा सुटेबल वैल्यू देके टेबल ता बनेबो जेंति भग्नाशेष नथिबो कारण भग्नाशेष को मु ग्राफ पर दर्शावला तकलीफ हो जो क्वेश्चन आसे से कोई विशेष सुविधा नहीं किंतु सदा बहुत ट्राई करे सिंपल वैल्यू आने में तो देखो एटा ला x एटा ला y ये मु इक्वेशन 1 पे कर जे टेबल ता सेट 1 लिख दो देखो जत मु y ता 0 ने भी सेत x ता हम केते आसीबो जत y ता 0 ने भी x ता केते आसीबो ना x 3 2 0 व्हिच इज 3 बुझेला तो x ता 3 आसे जत मु y ता 1 ने
सेतबे देखबा गोटे पूर्ण संख्या बारे सिंपल वैल्यू आछि y टा 1 हेले कते सेतम एक्स्ट्रा ना 3 माइनस 2 * 1 व्हिच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 जतले y टा 1 सेतले एक्स्ट्रा 1 ये दि पेर बिंदु पाइलो देन इक्वेशन 2 पे में सेम दिबा हरबो पूरा सिंपल वाले बाहर जाने चेष्टा करियो देखो ये टेबल का अपना इक्वेशन 2 पे बुझो छि x y तो देखो जतले मु y टा 1 हो जी सतले देखो 1 plus 1 equals to 2 2 divided by 2 equals to 1 जतले y 1 सतले x 1 आसे देखो 1 पर तो मैं y टा 2 नहीं जीवो 2 plus 1 equals to 3 by 2 भवना सब पड़ी आते छे ग्राफ रखो मुझे क्यों सुविधा हो तो इनको y टा मैं भी 3 ने भी 3 plus 1 equals to 4 4 divided by 2 equals to 2 तो y ने भी 3 ने भी x आसे तो इक्वेशन 1 पे तुम दी पेयर बिंदु पाइलो बदी पेयर वाटर टेबल पाइलो इक्वेशन 2 पे वाटर टेबल पाइलो पता नहीं टेबल को तुम काम लगा ग्राफ रे एक्सप्रेस करियो जीवा ग्राफ को देखो एडा एडा टिक दियो फोट कर देटा मु कोन कोन बिंदु पाइथिली ना गोटे पाइथिली वट पाई थी 30 11 पाई थी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में कौन पाई थी ना 11 अगर तो पाई थी 32 सॉरी 23 बुझे हो जी जीवा नेक्स्ट ग्राफ ग्राफ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करियो हियर इज योर एक्स एक्सिस हियर इज योर वाई एक्सिस देखियो फर्स्ट इक्वेशन 1 में देखियो के 30 यूनिट ने जो 1 हियर इज 2 3 30 ये वाला पॉइंट हाइलाइटेड कर दो आप अब ये ना 1 ना 1 एक्सिस 1 ना और 1 ये लगा ना इक्वेशन 1 ना स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर दो इक्वेशन 1 ना स्ट्रेट लाइन मुझे बुझे तो इक्वेशन 2 पे देखियो 1 1 गोटे बिंदु हम पाई छे आ कोन होला 2 3 2 3 एम दिस इज टू 2 3 गुबी ता स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दो तो देखो ये दिजन जुटे सीधा करले सेटा होला सॉल्यूशन बस समाधान तो ये दिजन कोटे सीधा करले ना 1 1 सो ये डेटा स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन है लावर वन बहुत इजी बुझेला नोट कर दे देन नेक्स्ट जीवा देन तुम्हारा आउट दिला एग्जांपल ले जी एग्जांपल थिरे देखो पहले यार एबे जो सॉल्यूशन रे करले आर भी आगु का एप्लीकेशन दा छी कांसेप्ट कहय पड़ियो एटा देखि देथो मन रखि देथो एटा कोन थिला हमर x plus 2y minus 3 equals to 0 थिला इक्वेशन 1 आउ थिला कोन तमर 2x minus y minus 1 equals to 0 इक्वेशन 2 थिला तो क्या सॉल्यूशन हम केते पाइले ना 1 1 गोटा मात्र सॉल्यूशन पाइले ताने हम देखिले जे स्ट्रेट लाइन दिटा परस्पर को गोटे मात्र बिंदु रे छेद करछंती देन आउ जो दिटा एग्जांपल दे छी तीन एग्जांपल 3 रे ताने दिटा बिंदु दे छी फर्स्ट बिंदु दे छी तमरो x plus y minus 3 equals to 0 इक्वेशन 1 2x plus 2y minus 6 equals to 0 इक्वेशन 2 देखो एक दे इक्वेशन भीतर रिलेशन दा मारो छ देखो ये 2 कॉमन नहीं गए x plus y minus 3 equals to 0 सो 2 टा अपन दाई डिवाइड हो गई x plus y minus 3 equals to 0 बता नहीं ये जहाँ ये से
माने इक्वेशन 2 टा जाय इक्वेशन 1 टा से तो यार गोटा मात्र स्ट्रेट लाइन हम कर परे ड्रा कर परे जुदे ग्राफ रे हम केमती आसे देखियो ए लाइन पे हम टेबल बनेबा टेबल केमती बनेबा देखो पुनी से स्टूडियो भल लई त कोन नाम है हियर इज योर एक्स एंड वाई जब तक एक्स 0 सेटल वाई टा केते आसीबो 3 जतले y 0 सेटल x आसीबो 3 गोटे पर जदु पाइल त आपण इ गतन स्ट्रेट लाइन ड्रा कर 0 3 3 0 3 0 0 3 देखो एठी कोन लगा दीटा लाइन कोइनसाइड करी गला दीटा इक्वेशन गोटे स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करले या माने आ आसीबो कोन असंख्य समाधान हम कहि छी जतले दीटा लाइन का आकार असंख्य कोन साधारण बिंदु आसीबो तुमरे ठिया पर को आसला ना असंख्य समाधान बा दीटा लाइन एक हो भिन्न देन एग्जांपल 3 रे सेकंड बिट कोन दे छी ना x cos y minus 3 equals to 0 x cos y minus 5 equals to 0 एठी केस टा कोन ये है इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन 2 देखिया इक्वेशन 1 पे हम यदि टेबल को नेगा सुट टेबल वैल्यू नहीं की x y जतो x 0 y 3 जतो y 0 x 3 सेम इक्वेशन 2 पे मन ले कम हो x y जतो x 0 y 5 जतो y 0 तो x5 बटन डेटा स्ट्रेट लाइन हम पाइल देखिया डेटा स्ट्रेट लाइन किमिति होउ छन त को भीतर रिलेशन हमर को आ छै फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के कोना 0 3 3 0 ये है हमर 3 0 ये है हमर 0 3 देन 5 0 0 5 5 0 हियर इज योर 0 5 बहुत सहज पिले देख मन लगे आराम से पाइब स्ट्रेट लाइन ड्र कर हम देख ला दीटा लाइन पारा तमें ये परस्पर को छेद करेंगे नहीं जो कि कौन सी समाधान पाई तो देख आम तीन पेयर इक्वेशन नहीं फास्ट एक्जामपल गोटे नहीं देन एक्जामपल तीन भी दीटा पे तो तीन टाक इक्वेशन आम अलग अलग सल्यूशन पाइल फास्ट केस कौन पाइले ना स्ट्रेट लाइन दीटा को गोटे मात्र बिंदु छेद कर समाधान एक्जिस्ट करकेंड केस कौन पाइले ना स्ट्रेट लाइन दीटा कोइनसाइड कर जोद्वारा कि आम असंख्य समाधान पाचे थर्ड केस कौन पाइले ना स्ट्रेट लाइन दीटा पारा जोद्वारा कि आम सल्यूशन एक्जिस्ट कर सीम्पल टेबुल बन पार हम फर्स्ट केस को देखले थिला नंबर x cos 2y minus 3 equals to 0 2x minus y minus 1 equals to 0 एठी दोनों रास्ता सॉल्यूशन 1 है तो देखो एठी हमर जनरल फॉर्म तुम को कहते ना a1x plus b1y plus c1 equals to 0 a2x plus b2y plus c2 equals to 0 तो एक केस है a1 तो मैं कहते ना 1 a2 कहते 2 b1 कहते 2 b2 कहते minus 1 इतने में यदि काली बात मैं कहते इतने दिन में काली बात a1 divided by a2 कहते हैं b1 by 2 अब b1 divided by b2 कितना 2 by minus 1 equals to minus 2 जो कि समान है तो हम देखिले
जतले a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होची सेतले हम कहौची ना अनन्य समाधान होचे बा एकमात्र समाधान स्ट्रेट लाइन दिना गोटे बिंदु रे छेद होचंती सिमिलरली तमे केस 2 रे कहौथिला केस 2 रे तमे एंति किछि थिला कि x cos y minus 3 equals to 0 इक्वेशन 1 थला तमे 2x cos 2y minus 6 equals to 0 थिला इक्वेशन 2 तर्थिया में इन रिलेशन का ही बात तुम्हारे ठे a one कहते one b one कहते one c one कहते minus three a two कहते two b two कहते two c two कहते minus six ठिया में इन रिलेशन का कोई इधर का ही बात एक मासिको a one by a two ऐसी हो one by two b one by b two ऐसी हो one by two C1 by C2 is also minus 3 by minus 6 particle 1 by 2 ताहने अपने हम कौन देखिले ना A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 So empty guess राम straight line को आस थिला ना असम क्यों समाधान आस थिला दीटा को straight line को inside को जो थिले मुने थी वो Then एग्जांपल 3 का थर्ड केस का वाला कौन थीला x plus y minus 3 equals to 0 x plus y minus 5 equals to 0 1 थीला ये तो 2 थीला इक्वेशन 2 थीला तो ये केस तो मतलब कौन देखो ऐसे a1 कहते 1 b1 कहते 1 a2 1 b2 भी 1 तो ये सर कौन से हम देखा रिया a1 by a2 1 by 1 equals to 1 b1 by b2 1 by 1 equals to 1 तो हम देखें हम देखिए a1 by a2 is equal to b1 by b2 तो जो थी empty case हम जिसे देखें हम एक हम solution कौन थी ला ना straight line दिया parallel है दिया जो तो लगा हम समाधान पाई ना थी ला समाधान असंभव हो थी ला तो हम तीन-तीन case बात तीन-तीन example हमें तीन-तीन different solution हम पाई तो आपने ये हमारे छोटे टेबल कर दोगा जोड़ा कि तुमको मन रखिए उस हाज़ अब इतने पक्का सॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं आते हैं बराबर से क्या कु पूरा बाई हाथ करियो तो टेबल लगा कौन थे ला फर्स्ट तीता लगी क्वेश्चन थी ला a1x plus b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को ना l1 अब l2 भीतर संपर्क l3 को ना समाधान को भाई समाधान अच्छी समाधान अनुजाई नामकरण देखिबा आमो जतला आसले कोन a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 सेतले कोन होतिला ना l1 और l2 परस्पर को छेद करथले आमर अनन्य समाधान आसथले ओटे मात्र सॉल्यूशन आसथला तो कोन l1 और l2 परस्पर छेदती तो ठीक है तो समाधान एक्जिस्ट कर लेता कभी कौन कौन सा ना संगत संगत एवं कौन ना निर्भरशील सॉरी स्वतंत्र संगत और स्वतंत्र देन सेकंड केस का कौन थिला ए1 बाय ए2 इज इक्वल टू बी1 बाय बी2 इज इक्वल टू सी1 बाय सी2 ठीक कौन थिला ना एल1 और एल2 डेटा का समान गोटे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करथिले L1 एवं L2 एक ओ अभिन्न बुझे बुझे एठी सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं असंख्य समाधान ये कोन होला ना संगत निर्भरशील परस्पर डिपेंडेंट एठी तुम कोन आस्तला
गोटे मात्र सोल्यूशन आसतला अनन्य समाधान एठी किंतु कोन थिला असंख्य समाधान दे थर्ड केस में कोन थिला a1 / a2 is equal to b1 / b2 एक हेतले कोन थिला ना l1 आउ l2 पैरेलल थिले बस समांतर थिले समांतर एठी कोन ना समाधान एक्जिस्ट कोन थिला तन कोई बस समाधान न थिला आना कोन ला असंगत असंगत देखो समाधान असंभव बुझेला पहिला ए टेबल ला बहुत बहुत इंपोर्टेंट निश्चित भाबरे एटु शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो एग्जांपल 4 की तमरो ए टेबल पर ही बेस्ट कर दे छी घर ट्राई करियो तका बोले वीडियो पॉज कर के एग्जांपल 4 करो आ कमेंट द आंसर भी दियो ओके आज भाई एति के नेक्स्ट क्लास में देखिबा बीजगणितिक समाधान और सरल सहसमीकरण बा सरल सहसमीकरण रो बीजगणितिक समाधान नेक्स्ट क्लास में देखिबा थैंक यू लाइक करिए कमेंट करिए और भले ही निश्चित भाबे सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए जेंती समूह पिलांग पाखरे वीडियो टी पहुंच परियो।